दोस्तों वेलकम टू माय ट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट से आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 10 जो विज्ञान का हमारे पास सीरीज है वो चल रही थी, आज इसके हम बहुविकल्पीय प्रश्न करने वाले हैं। पार्ट 10 का है, 9 का आपके में जो भी पार्ट है, 9-10 का प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसके हम बहुविकल्पीय क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी आपसे पूछे जा सकते हैं। ये यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन ए सीधी रेखा में, ऑप्शन बी है टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में नहीं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखो जैसे प्रकाश है, चाहे टॉर्च का हो सूर्य का हो, तो वो कैसे चलता है? एकदम सीधी रेखा में चलता है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही है? पहला ऑप्शन सही है, सीधी रेखा में। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, कब होता है? निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में? देखो प्रकाश का वेग जो होता है, जिस वेग से वो चलता है, तो उसमें न्यूनतम कब होता है? कांच में होता है, ठीक है, कांच में सबसे कम होता है। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन जो है आपके पास, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तर दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तर लेंस। भाई मोटर गाड़ी जो हम जो गाड़ियां चलाते हैं उसके चालक के सामने जो लगा रहता है वो कैसा दर्पण रहता है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है, उत्तर दर्पण लगा होता है। इसी के साथ चौथा क्वेश्चन देखते हैं, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण का, उत्तर दर्पण का, अवतल दर्पण क्या, उत्तर लेंस का। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, अवतल दर्पण लगा होता है मोटर कार के हेडलाइट में, ठीक है। इसी के साथ पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं? तो भाई देखो समतल दर्पण आप जानते हो, क्योंकि समतल दर्पण देखा भी आपने, बार बार यूज भी करते हो, तो कैसा होता है? काल्पनिक होता है, ठीक है। कैसे प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक बनता है, याद रखना, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक बनता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। छठा क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन क्या कहता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है या इकाई क्या होती है? ऑप्शन डायोप्टर, ऑप्शन बी ल्यूमेन, ऑप्शन सी लक्स, ऑप्शन डी एंगस्ट्रॉम, ठीक है। देखो लेंस की क्षमता पी बराबर क्या होता है? 1/f, किसमें? मीटर में, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है? डी, यानी कि डायोप्टर। इससे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। या पी बराबर होता है 100/f, ये किसमें होता है? सेंटीमीटर में, ठीक है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक होता है? संदेह का, ठीक है, आपको एंगस्ट्रॉम होता है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन क्या है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? जो प्रकाश की किरण जो निकलती है उसका जो पथ होता है उसे दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? क्वेश्चन है, ऑप्शन ए है किरण आरेख, ऑप्शन बी है फोकस, ऑप्शन सी है किरण कुंज, ऑप्शन डी है इनमें सभी, मतलब सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित करते हैं, किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसी के साथ आठवां क्वेश्चन देखते हैं, आठवां क्वेश्चन क्या है, आठवां क्वेश्चन है, 2D क्षमता मतलब 2 डायोप्टर, डी का मतलब डायोप्टर, क्षमता वाले लेंस का फोकांशांतर क्या होगा, यानी कि एफ क्या होगा, ठीक है। तो देखो भाई बताता है, एफ सेंटीमीटर में दे रखा है ना आपको, तो हमने बताया था पी बराबर क्या होता है? 100/f। आपसे क्या दिया, यानी कि डायोप्टर पी का वैल्यू दी, कितनी दी? 2 बराबर 100/f हो गया, ठीक है। एफ की मल्टीप्लाई इधर होगी और 100/ कितना आ गया हमारे पास? आ गया 2, तो कितने बार कटा? 50 बार, तो कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, 50 सेंटीमीटर। नौवां क्वेश्चन देखिए, नौवां क्वेश्चन क्या कहता है, नौवां क्वेश्चन कहता है, किसी उत्तल लेंस का फोकांशांतर 50 सेंटीमीटर उसकी क्षमता क्या होगी? देखो भैया उसी का सेम है, तो पी बराबर कितना हो गया? 100/सेंटीमीटर में दे रखा, तो 100/ कितना लगाएंगे? एफ, तो पी की वैल्यू तो आपसे पूछ ही रहा है, तो 100 फोकांशांतर कितने रखा? 50, तो कितनी बार कट रहे? 2 बार, तो कितना आंसर हो जाएगा हमारे पास? 2D, यानी कि डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? प्लस के, देखो प्लस का, उत्तर लेंस में किसका क्षमता होती है? प्लस की होती है, राइट। देखो मैं आपको बता दूं,
उत्तल में, उत्तल में यूवी प्लस का यू किसका होता है, माइनस का होता है, वी प्लस का होता है और एफ भी किसका होता है, प्लस का होता है, इसलिए इसका +2d आंसर राइट आंसर है। यदि आपसे अवतल लेंस देता है तो इसका -2d आंसर होता है। इस बात को बहुत बेहतरीन से याद रखना क्योंकि आप इसी में गलती करते हैं। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। 10वां क्वेश्चन है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रकाश स्रोत, ऑप्शन बी किरण पुंज, ऑप्शन सी प्रदीप्त, ऑप्शन डी प्रकीर्णन। तो क्या कहते हैं, प्रकाश किरण को, जो प्रकाश की किरणों का समूह होता है, समूह का मतलब ग्रुप होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, किरण पुंज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, मतलब उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक या ए बी और बी दोनों या डी, इनमें से कोई नहीं। मैंने अभी बताई थी क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस में क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या है, देखो आगे वही क्वेश्चन, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, अवतल लेंस क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। यही मैंने क्वेश्चन आपको पहले बता चुका हूं, आपको समझ में आ गया होगा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक क्यों होती है, क्योंकि अवतल लेंस में जो फोकस होती है वो किस में होती है, नेगेटिव होती है, माइनस की होती है, और अवतल लेंस में क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसी के साथ 13वां क्वेश्चन देखते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अभिसारी लेंस, ऑप्शन डी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अपसाइड लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो 14वां क्वेश्चन है आपके पास इसी सीरीज में, अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? ऑप्शन अभिसारी लेंस, इसे तो अवतल उत्तल अवतल लेंस नहीं कहते, उत्तल लेंस कहते हैं, द्वि अवतल लेंस, अपसारी लेंस। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अपसारी लेंस, और उत्तल को क्या बोलेंगे, अभिसारी लेंस। ये क्वेश्चन इसलिए ज्यादा हो गए हैं क्योंकि आपसे बार बार रिपीट करके क्वेश्चन पूछता है और लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर देता है, इसलिए सभी पैटर्न के बना दिए क्वेश्चन है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 15वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी मिट्टी। ये तो आप आंसर सभी जानते होंगे, मिट्टी का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, जल का भी करते हैं, कांच का भी करते हैं, प्लास्टिक का करते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। 16वां क्वेश्चन देखिए, 16वां क्वेश्चन क्या, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से, वे समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से या अवतल दर्पण से, किसी से भी नहीं। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपके पास, उत्तल दर्पण से। ठीक है, नेक्स्ट को बी क्वेश्चन ऑप्शन क्या है आपका, राइट आंसर है। 17वां क्वेश्चन देखिए, 17वां क्वेश्चन क्या कहता है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस वस्तु से, मतलब किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, किस बंध के अंदर, समतल से, अवतल से, उत्तल से? तो ये उसी का विपरीत है, आप समझ गए होंगे। तो किस, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, अवतल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन नंबर तीन, ऑप्शन नंबर चार, डी है चार। तो ये देखो सभी जानते होंगे इस क्वेश्चन का आंसर और सभी अच्छी तरीके से दे देंगे। तो कितने नियम होते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, दो नियम होते हैं, प्रकाश का परावर्तन के दो नियम होते हैं। 19वां क्वेश्चन देखिए, 19वां लेंस क्वेश्चन क्या कहता है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर या इनमें से कोई नहीं। देखो जैसे ये हमारे पास माध्यम है, एक माध्यम है, ये हमारे पास कांच है, ये हमारा वायु है। जब प्रकाश इसमें प्रवेश करेगा तो वो क्या होता है, अभिलंब, जैसे यहाँ अभिलंब होता है, जैसे अभिलंब होता है प्रकाश के परावर्तन में आपने पढ़ा है अभिलंब। ठीक है, तो क्या होता है, इसे दूर हटता है या पास आता है या समानांतर उसके समांतर जाता है। तो क्या उनसे ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, अभिलंब के निकट आ जाता है। ठीक है, 19 का बी राइट आंसर है। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, 20वां क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखो फोटोग्राफी जो कैमरा होता है उसका अभिदृश्यक कैसा होता है, उत्तल लेंस का,
अवतल लेंस का, उत्तर दर्पण का या अवतल दर्पण का? देखो फोटोग्राफी कैमरा में अभिदर्शक जो उसका वो होता है, किस कैमरा का क्या होता है अभिदर्शक कैसा होता है ये आपसे पूछा गया है। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, जिसमें दर्पण का तो प्रयोग कर नहीं सकते हम, लेंस का प्रयोग करेंगे, लेकिन लेंस का किस कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपका, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं फोटोग्राफी में। 21वां क्वेश्चन देखिए, साइड मिरर मतलब साइड शीशा के रूप में प्रयुक्त होता है कौन सा? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या प्रिज्म? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, उत्तल दर्पण। जो पीछे की पीछे जो वाहन चलते रहते हैं उनको देखने के लिए साइड मिरर का प्रयोग करते हैं, तो उसमें कौन सा दर्पण लगाते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। 22वां क्वेश्चन देखिए, 22वां क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप में, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? मैंने आपको ये थ्योरी में पढ़ा दिया था कि फोकस दूरी की और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। हम जानते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है, यानी कि आर बटे क्या होता है? 2 होता है। लेकिन आपसे दी अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है माइनस में होती है, माइनस के 10 सेंटीमीटर इजिकल टू आर बटे क्या हो गया? 2 हो गया, यानी कि आर की वैल्यू क्या आ गई? माइनस के 20। 2 की गुणा दर्शा के तो माइनस के 20 सेंटीमीटर, ठीक है? तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? माइनस के 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा और सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, 20 सेंटीमीटर। देखो माइनस के 20 सेंटीमीटर इसने 20 दिया है, ठीक है? आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, 23वां क्वेश्चन क्या कहता है? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण या इनमें से कोई नहीं? जैसे ये हमारे पास प्रकाश की किरण कोई समतल दर्पण पर पड़ रही है, तो ये हमसे परावर्तन पश्चात जा रही है, तो ये पूछ रहा है, ये अभी निर्गत कोण किरण है अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं? ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 23वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, निर्गत कोण कहेंगे। देखो आपतन कोण इसे बोलेंगे, ठीक है, और परावर्तन कोण इसे बोलेंगे, जो इधर से परावर्तन हो जाएंगे, तो इसको अभिलंब को पूरक कोण क्या बोलेंगे? निर्गत कोण बोलेंगे, ठीक है, इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। 24वां क्वेश्चन देखिए, 24वां क्वेश्चन क्या कहता है? 24वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे, तरल सूक्ष्म दर्शी में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर एक है आपके पास अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी है आपके पास उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी है अवतल लेंस का, ऑप्शन डी है उत्तल लेंस का। तो किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं सरल सूक्ष्म दर्शी में। ये बात याद रखना, ठीक है? वैसे सरल सूक्ष्म दर्शी आपके चैप्टर से हटा दिया गया है, लेकिन विकल्प में आपसे पूछ सकता है, इसलिए आपको बता दिया गया है, क्योंकि मैंने जो ये क्वेश्चन बनाए हैं सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए और 10th बोर्ड के लिए, सभी के लिए है, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ऐसे सभी क्वेश्चन है। 25वां क्वेश्चन है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ये हम पहले क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और इसका पैटर्न चेंज कर दिया था, मैंने ये भी बताया था कि पैटर्न चेंज कर देता है, और ये पहले पूछा था कि काल्पनिक प्रतिबिंब मतलब कौन सा लेंस, लेंस दे रखा था हमें, काल्पनिक प्रतिबिंब पूछ रहा था, अब दे रखा कौन से लेंस के द्वारा, ठीक है? तो ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी है वाई फोकल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, अवतल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 26वां क्वेश्चन देखिए, परावर्तन के नियम से आधार निर्धारित होता है क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, या परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, या आपतन कोण विषम कोण के बराबर होता है, या डी है इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, आपतन कोण विचलन कोण के बराबर, नहीं गलत गलत, ये वाला गलत है, ये नहीं होगा इसका, आपतन कोण परावर्तन पूछ रहा ना, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर है। 27वां क्वेश्चन देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? सीधा, उल्टा, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर एक सीधा होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सीधा होता है। 28वां क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन एक 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी है कोई नहीं? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ, 29वां क्वेश्चन क्या कहता है? 29वां क्वेश्चन कह रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? उत्तल का, अवतल का, समतल का या कोई नहीं? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, अवतल है।
तीसवा क्वेश्चन देखे, तीसवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का प्रयोग होता है, ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी हमारे पास अवतल और डी है कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाते समय जैसे दाढ़ी बन जाती है तो उसको कौन सा प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, अवतल लेंस, अवतल दर्पण, दर्पण का प्रयोग होता है, लेंस का नहीं, अवतल दर्पण का। 31वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, यानी कि हमारे पास P बराबर कितना दे दिया, एक डायोप्टर, उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, हमारे फॉर्मूला पढ़ा P इजिकल टू 100 बटे क्या होता है, एफ होता है, ठीक है। तो इसमें मान के दिया P का मान, एफ की मल्टीप्लाई इधर होगी तो 100 बटे क्या आ गया, P आ गया, ठीक है। और क्षमता आपको दे रखी है एक सेंटीमीटर, एक में एक डायोप्टर, तो कितना आ गया 100 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन सी क्या आपका राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन सी क्या राइट आंसर है, प्लस के, ठीक है, क्योंकि उत्तल लेंस दिया इसलिए प्लस के। 32वां क्वेश्चन देखिए, 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी गोले दर्पण तथा किसी पतले गोले लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर, दर्पण तथा दर्पण तथा लेंस संभवतः कैसे होंगे, दोनों अवतल, दोनों उत्तल, एक दर्पण अवतल और एक लेंस उत्तल, एक दर्पण उत्तल, एक लेंस अवतल, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, दोनों क्या होंगे अवतल दर्पण होंगे, दोनों क्या होंगे अवतल होंगे। 33वां क्वेश्चन देखिए, 33वां क्वेश्चन क्या कहता है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, सभी इस क्वेश्चन को जानते हैं, सभी इसका आंसर दे देंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, कितने होते हैं, दो होते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी क्या है राइट आंसर है। 34वां क्वेश्चन देखिए, 34वां क्या कहता है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है, भाई आपने सभी पढ़ा होगा साइन आई बटे साइन आर, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है साइन आई बटे साइन आर, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर है, साइन आई बटे साइन आर। 35वां क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा और किनारे की अपेक्षा बीच में मीठा, यार इनमें से कोई नहीं, जो हमारे पास उत्तल लेंस कैसा होता है इसी प्रकार होता है, मतलब किनारे से पतला होता है, बीच में से क्या होता है मोटा होता है, बीच में से मोटा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, सीधे किनारे के पीछे बीच में क्या होता है मोटा होता है, ऑप्शन नंबर सी क्या है राइट आंसर है। अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता यानी कि एम किसके बराबर होता है, ऑप्शन एक है यू बटे यानी कि वस्तु बटे वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु की दूरी बटे प्रतिबिंब की दूरी, या वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी मल्टीप्लाई में, ठीक है, या इसका योग, या प्रतिबिंब दूरी बटे वस्तु की दूरी। देखो अवतल लेंस की बात की गई है तो क्या होगी, हमारे पास प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी वी बटे यू, वी को क्या बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी और यू के बोलते हैं वस्तु की दूरी, इसलिए डी राइट का आंसर है इसका डी। 37वां क्वेश्चन देखिए, 37वां क्वेश्चन क्या कहता है, 37वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि गोले दर्पण में फोकांश अंतर व वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, मैंने बताया था कि एफ बराबर क्या होता है आर बटे दो, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है आधी होती है, तो देख लीजिए कौन सा है, देखो आर बराबर टू एफ दे रखा है, एफ बराबर आर दे रखा है, एफ बराबर टू बटे आर या आर बराबर एफ बटे टू, तो एफ बराबर टू आर बटे टू इसमें ऑप्शन में तो नहीं है, इसकी टू एफ बराबर क्या हो सकता है आर हो सकता है, देखो ऑप्शन में है या नहीं है, तो R बराबर 2F पहला ही ऑप्शन दे रखा है ना, तो पहला ही ऑप्शन क्या है राइट आंसर है। 38वां क्वेश्चन देखिए, 38वां क्वेश्चन क्या कहता है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन एक अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी समतल दर्पण का, ऑप्शन डी उत्तल तथा अवतल दोनों दर्पणों का, ठीक है। तो सोलर कुकर मतलब सौर ऊर्जा से जो कुकर हम प्रयोग करते हैं, सोलर कुकर कुछ बनाते हैं, तो उसमें किस लेंस का प्रयोग करते हैं, किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, इस बात का पूछा गया है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, अवतल दर्पण का, ठीक है। 39वां क्वेश्चन देखते हैं, 39वां क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, ऑप्शन ए बराबर और सीधा, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन बार बार, ऑप्शन बी वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन सी वास्तविक और सीधा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, उत्तल लेंस की बात की गई है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, वास्तविक और उल्टा बनता है, और अवतल में काल्पनिक और सीधा बनता है, ठीक है, अवतल में कैसे बनता है काल्पनिक और सीधा, और उत्तल में क्या बनता है वास्तविक और उल्टा। 40वां क्वेश्चन देखिए, 40वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में जब बिंब मतलब एफ और टू एफ के, बिंब का मतलब हमारे पास वस्तु,
एफ और टू एफ के बीच रखा जाता है फोकस दूरी, और उसके दोनों के फोकस दूरी के बीच में रखा जाता है, तब प्रतिबिंब कैसा बनता है? बड़ा और वास्तविक, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक, बड़ा और काल्पनिक। देखो उत्तल लेंस की बात कही गई है, उत्तल लेंस की बात की गई तो पहले बात तो वास्तविक बनेगा, तो काल्पनिक वाला गलत है, हमारे दोनों ऑप्शन गलत है, ऐसे करते हैं। और उत्तल लेंस में जब इन दोनों के बीच में रखा जाएगा तो क्या होगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा मतलब बड़ा और वास्तविक, यानी कि ऑप्शन क्या है, ए राइट आंसर है। 41वां क्वेश्चन देखिए, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गोले दर्पण, ऑप्शन बी त्रिज्या, ऑप्शन गोले लेंस, ऑप्शन डी है समतल दर्पण। तो क्या कहते हैं? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, गोले लेंस कहते हैं। 42वां क्वेश्चन है, वह गोले दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो जाता है क्या कहलाता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। बाहर की तरफ क्या कर रहा, वक्रित कह रहा है, वक्रित कह रहा है, ठीक है। बाहर की तरफ देखो वक्रित कौन सा हो रहा, ये उत्तल कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। 43वां क्वेश्चन देखिए, गोले दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र के दर्पण को क्या कहा जाता है? मध्य, ध्रुव, गोलार्ध या अक्ष। 43वां क्वेश्चन क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, ध्रुव यानी कि पी से डिनोट करते हैं, ठीक है, पी से डिनोट करते हैं, क्या बोलता है, ध्रुव, पोलर फॉर्म, ठीक है, पोलर बोलते हैं। 44वां क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है आपसे, किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या, आवर्धन का किसी लेंस द्वारा, ठीक है, क्या होता है, मीटर में, सेंटीमीटर में, या मिमी, या मात्रक विहीन। तो आवर्धन की बात की गई है इसमें, एम की बात की गई है, तो हमारा वी बटे यू भी होता है और यू बटे वी भी होता है। क्या होता है, यदि यदि मीटर में, एम मीटर में है तो ये क्या होता है, मीटर से मीटर कट जाता है, कट जाता है, तो क्या होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, यानी कि मात्रक विहीन होता, कोई मात्रक नहीं होता। 45वां क्वेश्चन देखिए, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, द्वारक केंद्र कहते हैं, या अक्ष केंद्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ठीक है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। 46वां क्वेश्चन देखिए, 46वां क्वेश्चन क्या है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। 46वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये छोटे अक्षों को पढ़ते समय, छोटे अक्षरों को पढ़ते समय तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है, उत्तल लेंस का। 40 का डी आपका करेक्ट आंसर है। 47वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से दर्पण का सूत्र कौन सा? देखो दर्पण का सूत्र 1/f = होता है 1/u प्लस के 1/v, ठीक है, ये दर्पण के लिए होता है, लेंस के लिए अलग होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर लग रहा है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि सी में देखिए 1/v तो यू 1 दे रखा है, ठीक है, इसलिए ये गलत है, और इसमें भी 1/u दे रखा है, ये भी गलत है, इसमें माइनस दे रखा है, ये भी गलत है। तो पहला ही ऑप्शन क्या आपका राइट आंसर है। 48वां क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? मतलब गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं, ठीक है, सी से डिनोट करते हैं। तो 48 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ही सही हो जाएगा, सेंटर। 49, निर्वात में प्रकाश की छाल नहीं चाल है, ठीक है, चाल है, चाल क्या होती है, याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए 3×10^8 ms, ऑप्शन बी 2×10^8 ms, ऑप्शन सी 3×10^9 ms, ऑप्शन डी है 3×101^10 ms। तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, 3×10^8 ms, इसी को याद रखना, यही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ 50वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ जो दांत के डॉक्टर होते हैं मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी सभी। तो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण बड़ा के लिए हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। 51वां क्वेश्चन देखिए, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कैसी होती है? कम होती है,
अधिक होती है, संतुलित होती है, या सभी होती है। तो को क्या होती है भाई, अब तक पतले लेंस की कम होती है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या आपका राइट आंसर है, पतले लेंस की आवरण क्षमता क्या होती है, कम होती है, ऑप्शन ए राइट आंसर। 52वां क्वेश्चन देखिए, मोटे लेंस की आवरण क्षमता कैसे होती है, कम होती है, अधिक होती है, संतुलित होती है, कोई सी भी नहीं होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखो पतले के लिए तो कम होती है तो मोटे के लिए क्या होगी, अधिक होगी। प्रलेपण अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होती है, मतलब कैसा होता है, आभासी तथा उल्टा, आभासी व सीधा, काल्पनिक एवं सीधा, या सभी। देखो अवतल दर्पण की बात कही गई है, अवतल दर्पण की बात कही गई है तो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है राइट आंसर है। 54 उत्तल लेंस का प्रकाशित केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होती है, आभासी तथा उल्टा, आभासी व सीधा, काल्पनिक व सीधी, और डी में इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आभासी व सीधा, यानी चौथा बी का ऑप्शन क्या है आपका राइट आंसर है। 55वां क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति कैसे होती है, वक्रता केंद्र पर होती है, मध्य बिंदु पर होती है, या अनंत पर होती है, या सभी में होती है, किस में होती है, अनंत पर होती है, ठीक है। याद रखना अवतल दर्पण के मुख्य फोकस का रखा, मगर फोकस पर ही बिंब रखा है तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ होगी, अनंत पर होगा, ठीक है, अनंत पर। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। 56वां क्वेश्चन देखिए, उत्तर दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, मतलब उत्तर लेंस पर रखेंगे तो क्या किस पर होगी, अवतल लेंस पर जान गए कि आपकी कहाँ होती है, अनंत पर होती है। ऑप्शन ए वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन सी फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन सी अनंत, ऑप्शन डी ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच। देखो कहां पर होगी इसकी भी, अनंत पर होगी, ऑप्शन सी क्या है राइट आंसर है। 57वां क्वेश्चन देखिए, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब की स्थिति क्या होगी, क्या होगी भाई, फोकस है वक्रता केंद्र के बीच, प्रकाशीय केंद्र में फोकस के बीच, और ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच, होती अनंत पे है, लेकिन अनंत नहीं दिया तो ऑप्शन क्या देगा, तो क्वेश्चन वही है, ऑप्शन चेंज कर दिए इसलिए क्वेश्चन ज्यादा बने हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में आए और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, प्रकाशीय केंद्र व फोकस के बीच। 58वां क्वेश्चन देख क्या कहता है, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, देखो अनंत पर रखे हो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, या मैंने अभी पढ़ा था, अभी बताया था, उसका उल्टा दिया, अनंत अनंत पर रखा है तो कहां होगा, वो फोकस पर रखा होगा, इसलिए कहां पर होगा, अनंत पर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी ही क्या है राइट आंसर है, वही है, उल्टा पूछ लिया क्वेश्चन लेकिन क्वेश्चन वही है। 59वां क्वेश्चन देखियो, देखो ये भी यही है, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, ये भी कहां पर होगी, फोकस पर ही होगी, ऑप्शन डी क्या आपका राइट आंसर है, क्वेश्चन वही है, चेंजिंग क्या दर्पण लेंस में, किसी में होगा कहां होगी, फोकस पे ही होगा। 60वां क्वेश्चन देखिए, 60वां क्वेश्चन क्या कहता है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणों के अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, विचलन के साथ निर्गत होती है, सात रंगों में विभक्त हो जाती है, बिना विचलन के निर्गत होती है, इनमें से कोई निर्गत मतलब आगे बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, सात रंगों में विभक्त हो जाती है, ठीक है। क्या होती है, गुजरने प्रकाशीय केंद्र से गुजरने पर, एक प्रिज्म देखा होगा, प्रिज्म से जब प्रकाश किरण होते हैं रंगों में होती है, सात रंगों में, जिसे बोलते हैं विभिग्रह। 61वां क्वेश्चन देखिए, 61वां क्वेश्चन क्या कहता है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर विपरीत होती है, विपरीत जाती है, निर्गत कारण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष से दूर जाती है, उसी पथ के अनुदिश वापस परिवर्तित हो जाती है। तो ऑप्शन में बी आपका राइट आंसर है, क्या होती है, समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के हो जाती है, समांतर हो जाती है, ठीक है। 62वां क्वेश्चन देखिए, 62वां क्वेश्चन क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस के अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के विपरीत उसी पथ के अनुदिश वापस परिवर्तित हो जाती है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ऑप्शन डी है, निर्गत कारण के मुख्य अक्ष से क्या होती है, दूर होती है। देखो अवतल लेंस में क्या होती है, दूर हो जाती है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। ऑलमोस्ट इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, इन क्वेश्चनों से इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, यूपी बोर्ड परीक्षा में भी और अदर कॉम्पिटिशन एग्जामों के लिए भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें,
और आप एक प्यारा सा कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट चैप्टर पे वीडियो आपको मिलने वाली है नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपनी तैयारी को बरकरार रखिए, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए ताकि 20 के 20 क्वेश्चन आपके फुल बाय फुल सही जाएं।